हेलो एवरीवन लेट्स वो कैप द फर्स्ट वर्ड इज पटिशन देखिए पटिशन का मतलब होता है याचिका या अर्जी उसे ही पटिशन कहा जाता है यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट साइन बाय मेनी पीपल दैट आस्क द गवर्नमेंट टू डू और चेंज समथिंग तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा प्ली आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं

द फर्स्ट टास्क फॉलोइंग द डिजास्टर वॉज द रिस्टोरेशन ऑफ क्लीन वॉटर सप्लाईज नेक्स्ट कॉन्फ्लाग्रेशन कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है भयंकर आग और एक कॉन्फ्लाग्रेशन का मतलब होता है देखिए अगर कहीं पर ना बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा हो क्लैश हो रहा हो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो उसे भी कॉन्फ्लाग्रेशन ही कहते हैं आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं अ कॉन्फ्लाग्रेशन इन नाइनटीन फोर्टी सेवन रेड्यूज नाइंटी परसेंट ऑफ दी हाउस टू एशेज नेक्स्ट वन इज लेजिटिमेट लेजटिमेट का मतलब होता है कोई भी चीज जो रीजनेबल है एक्सेप्टेबल है यानी कि ना तर्क संगत है उसे ही लेजिटिमेट कहा जाता है या तो कोई ऐसी चीज जो कि ना कानून अलाउ कर रहा है यानी कि ना अलाउड बाय द लॉ उसे भी हम लेजिटिमेट ही कहते हैं तो इसका स्नॉनिम क्या हो जाएगा लॉफुल एंटोनिम क्या हो जाएगा इन लेजिटिमेट आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं द आर्मी मस्ट गिव पावर बैक टू द लेजिटिमेट गवर्नमेंट नेक्स्ट वन इज क्रिपलिंग इफेक्ट देखिए क्रिपलिंग इफेक्ट का मतलब होता है इफ यू से सिचुएशन है किसी पॉलिसी का किसी सिचुएशन का या किसी एक्शन का अगर क्रिपलिंग इफेक्ट है तो मतलब कि उसका बहुत ज्यादा ही सीरियस या हार्मफुल इफेक्ट है किसी चीज पर उसे ही क्रिपलिंग इफेक्ट कहा जाता है आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं

वाइटिल वाइटिल का मतलब होता है कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आवश्यक है ना तो उसे ही वाइटिल कहा जाता है तो इसका सुनानिम क्या हो जाएगा एसेंशियल एंटोनिम क्या हो जाएगा अनइंपॉर्टेंट आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं I forgot one vital ingredient and now the biscuit tastes strange. The next one is exemption. Exemption का मतलब होता है मुक्ति, छूट, उसे ही exemption कहा जाता है। यानी कि immunity from an obligation or duty, तो इसका synonym क्या हो जाएगा security और protection, synonym क्या हो जाएगा vulnerability। आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं। You qualify for a tax exemption on the loan. The next one is side. Side का मतलब होता है टू मैंशन समथिंग और यूज समीज एग्जैक्ट वर्ड एज एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट और एज प्रूफ ऑफ वॉट यू आर कि ना उदाहरण या प्रमाण स्वरूप किसी बात का उल्लेख करना उसे ही साइट कहा जाता है तो इसका क्या हो जाएगा स्पेसिफाइ एंड क्या हो जाएगा इग्नोर आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं

इंडालजिंग इंटाल्जिंग का मतलब होता है टू अलाउ यूर सेल्फ टू हैव और डू समथिंग फॉर प्लेजर यानी कि ना मौज मस्ती करना आनंद के लिए किसी काम में लिप्त होना उसे इंटालजिंग कहा जाता है तो इसका सुनानिम क्या हो जाएगा ग्राटिफाइंटॉनिम क्या हो जाएगा रिस्ट्रेन आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं द ग्रैंड पेरेंट्स इंटालजी चाइल्ड विशेज टू एन एक्सटेंड दैट दे ने विद ओन चिल्ड्रन नेक्स्ट वन इज यूफमिजम देखिए यूफमिज्म का मतलब ही होता है गुड स्पीच यानी कि जब आप कोई ना ऑफेंसिव बात या कोई हार्श चीज यानी कि ना कोई चीज अगर अनप्लेजेंट है अप्रिय है अगर आप उसको ना थोड़े अच्छे तरीके से अगर कह देते हैं ना सामने वाले को बगैर बुरा फील कराए तो उसे ही यूफमिज्म कहा जाता है यानी कि एन इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन दैट यू यूज इंस्टेड ऑफ अ मोर डायरेक्ट वन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट और अंबेरिसिंग द यूज ऑफ सच एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड एज यूफमिज्म आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इट इज सो अनफॉर्चुनेट दैट वी का मतलब होता है जो भी चीज ना क्लियर है या आसानी से समझ में आ रहा है ना तो उसे ही एक्सप्लिसिट कहा जाता है लेकिन समझने में सरल तो इसका सुनॉनिम क्या हो जाएगा स्पेसिफिक इंटोनिम क्या हो जाएगा इम्प्लिसिट आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं I gave her very explicit directions how to get here. The next one is seek. Seek का मतलब होता है to try to find or get something. यानी कि कुछ ढूंढने या पाने की कोशिश करना तलाश करना उसे ही seek कहा जाता है तो इसका synonym क्या हो जाएगा Pursue. Antonym क्या हो जाएगा Ignore. आप इसे अपनी sentence में use कर सकते हैं You should visit your doctor and seek his advice. The next one is sledgehammer देखिए, इस sledgehammer का एक्चुअली मतलब होता है एक भारी हथौड़ा उसे sledgehammer कहा जाता है और sledgehammer अगर आप ऐसे यूज करें ना अलग तरीके से तो इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज टू फोर्सफुल उसे भी sledgehammer ही कहते हैं आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं दे अक्यूज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूजिंग sledgehammer टैक्टिक्स नेक्स्ट वन इज contravention contravention का मतलब होता है नियम या कानून को भंग करना उसका उल्लंघन करना उसे ही कॉन्ट्रवेंशन कहा जाता है यानी कि इन अ दैट इज नॉट अलाउड बाय रूल लॉ और अग्रीमेंट तो इसका क्या हो जाएगा ब्रीच क्या हो जाएगा ओबीडियंस आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं दे हैव एक्टेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रीटी द नेक्स्ट अधर, अधर का मतलब होता है टू स्टिक फॉर्मली टू समथिंग उसे ही अधर कहा जाता है यानी कि ना मजबूती से चिपक जाना जुड़ जाना उसे हम कहते हैं अधर तो इसका सुनानिम क्या हो जाएगा स्टिक एन क्या हो जाएगा लूज इन आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ग्लू वॉन्ट अधर टू एनी सरफेस दैट्स वेट नेक्स्ट वन इज ड्रैगनेट देखिए ड्रैगनेट का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्शन टेकन बाई दी पुलिस दैट आर इंटेंडेड टू कैच क्रिमिनल उसे ही ड्रैगनेट कहा जाता है यानी कि ना महाजाल तो इसका सुनाने में क्या हो जाएगा ट्रॉल आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं द पुलिस हैव वाइडन द ड्रैगनेट इन दे सर्च फॉर द किलर नेक्स्ट वन इज प्लॉय प्लॉय का मतलब होता है plan, तिगड़म बाजी उसे प्लॉय कहा जाता है यानी कि समथिंग दैट यू से और डू इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट और टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग यानी कि मनचाही वस्तु पाने या किसी को मनाने के लिए कही गई बात या किया गया काम चाल उसे ही प्लॉय कहा जाता है तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा Ruse आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं आस्किंग मी टू टेक हर शॉपिंग Turned out to be a ploy to get me to the surprise party. The next one is come down heavily. देखिए come down heavily का मतलब होता है to punish or criticize a person or activity very strongly. यानी कि जब किसी पर्सन को या किसी चीज़ को अगर आप पनिश करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं ना बहुत strongly तो इसे कहा जाता है कम डाउन heavily. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं दे आर कमिंग डाउन ऑन पीपल फॉर नॉट का मतलब होता है अ मेथड और सिस्टम ऑफ़ गवर्नमेंट, फेयर वे उसे ही रेजिम कहा जाता है यानी कि ना शासन प्रणाली या व्यवस्था विशेषतः तो ऐसी जो कि निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नहीं है उसे ही रेजिम कहते हैं तो इसका सुनानिम क्या हो जाएगा रीड आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं द द रेजिम अ वेरी ऑफ इविल नेक्स्ट वन इज देखिए का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति ना बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है ना तो उसे बी लिगर्ड कहा जाता है या तो अगर कोई पर्सन ना चारों तरफ से अगर ना घेर लिया गया हो तो उसे भी हम बीलिगर्ड ही कहते हैं तो इसका सुनोनेम क्या हो जाएगा बिसीज एंटोनिम क्या हो जाएगा लिबरेटेड आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इफ वी डू नॉट स्प्रे आर हाउस विथ इंसेक्ट रेपेलेंट मॉस्किटोज विल बी लिगर अस ऑल समर्द नेक्स्ट वन स्पोराडिक देखिए स्पोराटिक का मतलब होता है कोई चीज अगर रेगुलरली नहीं हो रही हो अनियमित रूप से होना तो उसे ही स्पोराडिक कहा जाता है यानी कि नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली तो इसका स्नोनिम क्या हो जाएगा एराटिक एंटोनिम क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं सो लॉन्ग एज वन इज अगर अपना ओपिनियन नहीं चेंज करता, करता, करता ना किसी के बारे में या अगर वो किसी के साथ अगर वो अग्री नहीं करता है ना तो उसे ही इन ट्रांसिजेंस कहा जाता है यानी कि ना कट्टरता तो इसका सोनॉनिम क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा रिसेप्टिव आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं I refuse to ever debate with Jordan because her intransigence means we can never convince her to believe my point of view. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करे शेयर करे कॉमेंट करे साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक यू